हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो है, बेसिक हमने बता दिया है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ आपका जो टफ टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग लेके चलेंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन हमने लिया है, मेरे को लगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। तो देखिए, क्वेश्चन है, रमेश बोरोड ₹12,600 फ्रॉम राधा एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 ईयर्स ही पेड ₹7,070 एंड गेव ए गोट टू क्लियर ऑफ द डेप्ट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ द गोट। कहने मतलब, रमेश क्या किया, रमेश बोरो किया, पैसा उधारी लिया किससे, राधा से। राधा से कितना लिया, ये 12,600, दैट इज ये प्रिंसिपल हो गया किसके लिए, रमेश के लिए। और क्या किया, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 15% पर एनम से है। अब ये राधा को क्या किया, ये राधा से ये रमेश ने लिया। अब ये रमेश ने इसको जो है, सो राधा को आफ्टर 3 ईयर्स क्या दिया, 7070 प्लस गोट, गोट गोट मतलब वो बकरी। तो वो बकरी का कितना कीमत होगा, तो इसके लिए आप ये जान लें सीधी सीधी कि जो आपको पहले ये निकालना है कि टोटल उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना उसको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। आप पहले अमाउंट निकाल लेंगे, उस अमाउंट में हम क्या करेंगे, ये इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। इसका मतलब वो जो बच जाएगा वो क्या होगा, हमारा गॉट का प्राइस हो जाएगा। तो सीधे लिखेंगे यहाँ पे फोर रमेश, ठीक है, आप अलग अलग नाम है तो अलग अलग ले लीजिए, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा और बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो फोर रमेश, आप यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल, दैट इज पी इज कितना हो गया, 12,600, दिस इज द प्रिंसिपल। और रेट आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 15% पर ईयर या पर एनम, एक ही बात है, पर ईयर। टाइम पीरियड कितना है, कितने साल बाद उसको लौटाया, तो 3 ईयर्स है। यहां पर चूंकि ये ईयर्स में दिया हुआ है, इसलिए किसी प्रकार का कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। अब आगे का बाद में हम लोग बात करेंगे। तो देयर फोर यहां पर आप लिखेंगे, यहां पे 3 साल में, दैट इज इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी इंटू आर इंटू टी, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यह आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 12,600 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आपका 15, एंड टी इज वॉट देन 3 ईयर्स बाय 100। ये आप स्ट्राइक आउट कर लेंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, तो देखिए ये आपका आ जाएगा रुपीज, कितना आएगा, ये रुपीज आपका आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,670। ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मतलब वो 3 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट उसको अलग से पे करना पड़ेगा। देयर फोर आप लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट टू बी पेड, जो पे करना है। तो अमाउंट क्या होता है, हमने ऑलरेडी बताया है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, दैट इज 12,600 प्रिंसिपल एंड देन प्लस 5,670। इसको जब आप ऐड करेंगे तब आप कितना आएगा, सॉरी 18,270, ये आपका अमाउंट आएगा। इसका मतलब ये जो है, रमेश को कितना पे करना था, 18,270 इसको पे करना है। तो यहां पर अमाउंट टू बी पेड दैट इज इतना हो गया। अब यहां लिखेंगे ही पेड रुपीज, ही लिखेंगे पेड रुपीज कितना, 7,070। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द गॉट क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ द गॉट कितना होगा, आपको उसको कितना करना था, आपको पेमेंट करना था 18,270 रुपीज पेमेंट करना था। इसमें आपको 7,070 उन्होंने पे कर दिया, तो जो बच गया वो क्या था, गॉट का प्राइस हो गया, दैट इज 0,0 and 2 and 1 11, दैट इज ये हो गया रुपीज 11,200।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जो गॉट था उसका प्राइस कितना होगा, 11,200। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट लिखने के बाद जो भी उन्होंने दिया उस अमाउंट को माइनस कर लेंगे, तो बाकी जो अभी ऑब्जेक्ट वो डोनेट करता है उसको प्राइस निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, यदि समझते हैं तो काइंडली आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।